रात को खेत में कौन चौकीदारी करता है? भाजपा के मंत्री आते हैं आपके खेत में बैठने के लिए? आते हैं? चौकीदारी करते हैं आपका? आपकी? आप खुद करते हो? आपकी आज ये स्थिति बना दी है कि छुट्टा जानवर आपके खेत पूरी रात पूरे दिन खा रहा है। मैं महिलाओं से मिलती हूँ, 47 डिग्री की धूप में पूरे दिन कल बैठी थी रायबरेली में, पूरे दिन खेत में बैठी थी। रात को उनके पति जाके बैठ रहे थे। किस लिए? 5 सालों से आपको प्रताड़ित किया और 5 साल बाद, क्योंकि आपके बीच में तो आए नहीं वो प्रधानमंत्री जी, अपने क्षेत्र में गांव में नहीं गए, किसान से हाल चाल नहीं पूछे, अमेरिका पहुंच गए, रूस पहुंच गए, जापान में ढोल बजाए, पाकिस्तान में बिरयानी खाई, लेकिन वाराणसी के एक गांव में नहीं गए, एक गांव में। और ठीक है, उनको नहीं जाना था, नहीं गए। जब हजारों हजारों किसान देश भर से नंगे पांव पैदल चलकर आए उनसे मिलने, और हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे पे खड़े हुए और कहा, हमारी सुनवाई कर लीजिए, हमारी समस्याएं हैं, हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला उनसे बात करने के लिए। अब चुनाव आ गया है, क्या करें? क्योंकि किसान नाराज है, पता चल गया कि गड़बड़ हो रही है, किसान नाराज हो गया। 5 सालों से तो हमने इनको नकारा है, तो ये लीजिए, निकाले हम किसान सम्मान योजना। सुन लीजिए, कितना सम्मान है इस योजना में आपके लिए। किसान सम्मान योजना के बारे में देश भर में प्रचार है, जिस भाषण को देते हैं उसमें किसान सम्मान योजना जोड़ देते हैं।